Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. आप पेंट्री कार का एक खाना सेल कर रहे हो, आपको खुद को गारंटी नहीं है कि आपका खाना कैसा होगा, आपको खुद को अपने चीज पर भरोसा नहीं, तो फिर रेटिंग अच्छा था इस रेस्टोरेंट का तो अच्छा है वैसे ही। सो सर, फिलहाल अभी मैं हूँ सर हावड़ा से। सर मैं सर आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 12307 में सर जयपुर तक, यानी हावड़ा जोधपुर। सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर जयपुर तक एटलीस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ सर। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आउट बिकॉज नथिंग इज पॉसिबल। अरे सर 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 सर, ये तो मेरा कैमरा है सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं नहीं जा रहा सर। अरे सर आप, अरे यार मेरा टिकट करना था ना सर, मैं भी जा रहा है सर। चलो सर, जूनियर सर जा रहे हैं, फिर कभी साथ चलेंगे पक्का सर। हाँ वैसे भाई पहले बता दूँ, जूनियर सर निकनेम है इनका, जैसे प्यार से देते ये हमको बोलते हैं सर मालिक जाओ सर, उस टाइप से जूनियर सर। बस यही तो है हमारा प्यार, यही है ना सर। इनका कुछ बताया सर नाम? इनका नाम नहीं बताया। ठीक है, ट्रैवल करो सर, आप एंजॉय करो सर, फिर चलेंगे ना मेरे साथ कभी भी। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि मेरे व्यूअर्स आपको देखना चाहते हैं। सर हमारे भी हमको नहीं देखते, बस वाले सर, बस वाले ब्लॉगर साहब है सर, कोई नहीं सर, उल्टा खड़े थे पर ठीक है सर, सब सही है। तो देवी और सर नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार, और मुझे उम्मीद है आप सब कोरोना महामारी से जो है सुरक्षित है। आज जो है फिर से चालू हो गया एक और जर्नी, दी लास्ट जर्नी ऑफ 2021 जो है साल। हाँ भरपूर अच्छा रहा मेरे लिए, काफ़ी जर्नीस किए, भर भर के जर्नीस किए, महीने महीने में जो है 5 से 7-8 वीडियोस तक भी अपलोड किया है। तो हाँ आज की जो जर्नी है वो एक ट्रेन जर्नी है, ट्रेन जर्नी होने वाली है 12307 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, लेकिन हमारी ट्रेन जो है शॉर्टली टर्मिनेटेड है जयपुर, यानी जर्नी सिर्फ जयपुर तक होगी। और ऐसे बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि पीछे जो है हमारा सूटकेस पड़ा है, और उस सूटकेस के बिना जो है ये ट्रिप तो बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जैकेट वैकेट है और जाना है मेरे को मनाली, तो समझ ही गए होंगे। तो टाइम जो है अभी 10:30 हो रहा है, ट्रेन हमारी 11:25 की है। मज़ा काफ़ी आएगा इस जर्नी में, तो शुरू करते हैं जर्नी विद सम ब्यूटीफुल सिनेमैटिक्स। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पीयूष भाई का और प्रमित भाई का, जो मुझे सी ऑफ करना है हावड़ा पे, और जिनको आपने इंट्रो में देखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और चालू करते हैं जर्नी, थोड़ा सा जो है देख लीजिए हावड़ा स्टेशन रात को कितना खूबसूरत लगता है। I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool, the kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आ चुका हूँ। अभी जो देखा आपने वो है डिजिटल चार्ट, मतलब पहले जो पेपर में लगता था उसको हटा के एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है बोर्ड लगा है। अच्छा है, लेकिन बुरा बात ये है कि मतलब चार्ट से ज़्यादा तो उसमें टीवी का साइज़ है, तो एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस है देन कि पैसेंजर्स को दिखाना, क्योंकि उसमें धीरे धीरे नाम आता है ना, तो काफ़ी टाइम मतलब वहाँ पे आपका नाम ढूंढना है तो 10-15 मिनट वैसे ही लग जाएगा। और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आए, मतलब एक हाई प्रायोरिटी ट्रेन को बोर्ड करें। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 8 दोनों से याद रखना, प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 8 के बीच में एक रोड है जिससे आप डायरेक्टली गाड़ी से आ सकते हैं और 4 कदम चल के ट्रेन में चढ़ सकते हैं, तो VIPs और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। ट्रेन जैसी लगती है चढ़ते हैं। जर्नी जो है 3 टायर में होने वाली है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है टिकट बुक करने के बाद, बताता हूँ क्यों, पहले ट्रेन लग जाए यार। तो गाइस लोकोमोटिव जो है लग रहा है बस 37585 हावड़ा WOP7 लोकोमोटिव, वही लोकोमोटिव क्यों ना देख सकते, ईस्टर्न का लोको, मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर। ये जर्नी जो है 130 पे ही सीमित होगी, कहाँ तक होगी वो मेरे को नहीं पता, मैं पूछ के आपको बता देता हूँ कोच वोच में चढ़ के। तो वीडियो जो है बड़ा होता जाता है, कोई फ़ायदा है नहीं, तो फटाफट कोच में चलते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। तो गाइस कोच जो है वो 19 मेड है, और तेरा 32 नंबर। इस 2 8 3 क्लॉक
पता नहीं गाइस क्या हुआ, 11:35 हो गए, डिपार्चर टाइम 25 का है यहाँ से, ये जो है नहीं निकला। गार्ड ने सिग्नल दे दिया था फिर भी कुछ प्रॉब्लम है। मैंने लोगों का पीछे वाला जो कैब है उसका फ्लैश लाइट चलते देखा, तो मुंबई में जो है 11:35 का जिसका टाइम है वो पीछे वो निकल रहा है। दोनों हाई प्रायोरिटी का है लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ। लोकोमोटिव जो है चेंज हो चुका है, कपलर नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। हावड़ा से अटका लगा है 30478 में, फिर से यहाँ तक और फिर से जाऊँगा। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। रात के 12:10 हो रहे हैं, लेट हो गए लेकिन इतना भी नहीं, अगर जयपुर सुबह भी पहुँचते तो भी चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी को। गाइस ट्रेन जो है निकल चुकी है, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो गए इस इंजन के कारण। मुझे नीचे के ट्रेन में कब आराम से भाई जो है नींद पूरी करके जयपुर में उतरे सुबह 7-8 बजे, और फॉग भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आफ्टरनून में पहुंचे तो बेस्ट है, मतलब 11:10 ऐसा पहुंचा तो बेस्ट है। और ट्रेन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ट्रेन नंबर 12307 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस फिलहाल जयपुर तक चल रही है। हम 1500 किलोमीटर की दूरी 24.5 घंटे में तय करेंगे, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन फॉग, तो देखते हैं कितना हो सकता है। और मेरा कोच जो है B5 है, 2100 रुपये दिया तत्काल टिकट किया मैंने। अब टिकट का क्या लोचा है, मेरा पहले जो है पूर्ण कोटा वेटिंग था, क्योंकि जयपुर तक जो है पूर्ण कोटा देते हैं, जनरल देते हैं जोधपुर तक, तो ट्रेन जो है शॉर्टली टर्मिनेटेड थी, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा वेटिंग लिस्ट पे, तो मैंने सोचा पूर्ण कोटा है तो बाद में क्लियर करेंगे। मतलब पहले क्या है जनरल वेटिंग क्लियर करते हैं फिर पूर्ण कोटा करते हैं, तो उसमें जो है कम हो नहीं रहा था, तो मैंने देखा तत्काल है मिल रहा है, मैंने तत्काल कर लिया। फिर देखा कि भाई करंट में जो है 45 सीट खाली है, मतलब मेरे को साइड लोअर भी मिल जाता है, मेरे को करंट में टिकट भी मिल जाता है, वो भी सस्ता है, मतलब एटलीस्ट मेरे 400-500 रुपये जो है फिलहाल अब बच जाते हैं, जो कि नहीं हो पाए, तो कोई नहीं थोड़ा सा हो गया, फिर क्या कर सकते हैं। तो गाइस रात के जो है 1:30 बज रहे हैं और वर्धमान पहुंचने वाले हैं, ट्रेन जो है लेट हो गई, ऑलमोस्ट 1 आवर जो है लेट चल रही है। और हावड़ा वर्धमान पोर्ट में जो है काफ़ी सारा स्पीड रेस्ट्रिक्शन था, मतलब 1:30 जो है मिल ही नहीं रहा था। आगे देखेंगे और थोड़ा आराम भी करेंगे, तो रात को जो है थोड़ा सा सोऊंगा। और भैया बैटरी की हालत देखो, ट्रेन में जब चढ़ा था 95 था, मतलब जब ब्लॉक स्टार्ट किया था हावड़ा पे, अभी 25 है, वो तो अच्छा है कि 19 मिनट पहुँचे। हर बर्थ पे चार्जर है, साइड अपर पे भी, तो एक बैटरी जो है गोप्रो का मैंने लगा दिया ऊपर, और कोई नहीं गोप्रो का जो है मतलब नया लिया है, बैटरी में जो है बहुत दिक्कत हो रहा है भाई, क्योंकि मतलब इतना पावर ले रहा है ना, मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी फिलहाल लाइट बंद कर देता हूँ, पैसेंजर सो रहे हैं, ज़्यादा तेज बात मैं नहीं कर सकता। मिलते हैं आसनसोल या धनबाद पे, तब तक जो है मैं अपना एडिटिंग ख़त्म कर लेता हूँ OSRTC वाला वीडियो का, जो कि मेरे को 24 तारीख पोस्ट करना है, यानी मेरे बर्थडे पे। तो पहुंच गए गाइस आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदर रोड। ट्रेन जो है यहाँ पे 1:15 लेट हो चुकी है, और लेट चलिए भाई 1 घंटा तो क्या कर सकते हैं, 200 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। मेरा घर भी आसनसोल में है लकीली, मतलब एक अजीब सा फीलिंग आता है कि घर भाई यहाँ पे ब्लॉगिंग करने हावड़ा जा रहा भाई, एंड टू एंड दिखाता हूँ जर्नी, अच्छा लगता है। और चलिए निकलते हैं, थोड़ा सा आराम करूँगा इसके बाद, अभी तक जो जग के आया है, मे बी मैं आपको गया में मिलूंगा सीधा। अगर आपको गुरुपा गुजंडी घाट सेक्शन देखना है तो आई बटन में देख लीजिए, एक अच्छा वीडियो है मेरा और शॉर्ट वीडियो है, देख लीजिए, गुरुपा गुजंडी घाट सेक्शन देखने में इंटरेस्टेड है तो। और गया में मिलते हैं भाई सब सुबह होगा, तो रात में वैसे ही मज़ा आता नहीं, तो चलिए गुड नाइट, निकलते हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। तो भाई कभी ऐसा ना हो जाए कि जाना है जयपुर, ट्रेन में जो है ऐसे ही आसनसोल में उतर गया फील में, और बाहर जो है ऑटो वाले से जो है बार्गेनिंग करने लगे भाई, कितना लोग है घर जाने का, फिर पता चलेगा भाई ये कहाँ रहे। गुड नाइट, थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए, समझ सकते हैं 1500 किलोमीटर की जर्नी है। ऐसा जो है मैं शाम को निकला था 5:30 बजे रांची शताब्दी से, फिर अभी आया तो 3 बज गए, मतलब इतना टाइम हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या पाए, जीरो वर्क। सुबह के जो है 8:45 बज रहे हैं, और हम थोड़ी देर पहले जस्ट सासाराम से निकले, गया पे जो है आँख थोड़ी सी खुल रही थी,
चलिए देखते हैं आगे मुगल सर आएगा। ट्रेन जो है फिलहाल 40 ही मिनट लेट है, कल जो एक घंटा था, लेकिन बीच बीच में स्लैक रहता है तो फॉग बिल्कुल भी नहीं है, जो ख़राब बात मेरे को लगा। और ख़राब क्यों है, क्योंकि भाई फॉग नहीं होगा तो ट्रेन जो है ऐसे ही टाइम पे चला जाएगा, और भाई रात को ऐसे 12 बजे 1 बजे ऐसे ब्लॉग एंड करना अच्छा नहीं रखता। फिलहाल क्रॉस करें कुसौली ऐसा कुछ स्टेशन, तो देखते हैं। मेरा तो मन था हमेशा कि जयपुर अगर सुबह पहुँचता तो अच्छा होता। पहुँच गए भभुआ रोड और अब तक कवर कर चुके 607 किलोमीटर और बस यही है, यही चल रहा है। कोई बड़ा स्टेशन से शुरू करने का मन था लेकिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेट। समोसे खाइए, मिर्ची पकौड़ा खाइए, समोसे गरम। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और दो ऑप्शन है ऑब्वियसली आपके पास, ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड कटलेट। और मैंने ऑमलेट लिया 50 का है, कटलेट जो है 40 का है। कटलेट भी हर जगह 50 का होता है लेकिन इसमें 40 का है, तो वही है। दो ब्रेड और एक ऑमलेट खाते हैं। वैसे ठंडा है लेकिन क्या कर सकते हैं, मे भी सुबह जो है 4-5 बजे का बनाते हैं इसलिए ऐसा है, तो कोई नहीं। तो एक चना भी ले लिया है ब्रेड ऑमलेट के साथ। चना जो है इवन हेल्दी है और टेस्टी भी है, मतलब टेस्टी तो काफ़ी आ गया चना में, तो मतलब मज़ा आ गया। एक प्लेट चना मैंने जो ना मन भी भर गया और पेट भी, तो ये और ब्रेड ऑमलेट का टेस्ट ठीक ठाक था एवरेज, वो ये ठंडा था। कोई नहीं, मुगल से रहने वाला है, उतरता हूँ वहाँ पर और आपसे बात करूँगा। तो गाइस पहुंचने वाले हैं मुगल सराय, सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पहुंच गए गाइस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ट्रेन सिर्फ 10 मिनट लेट है, मतलब ताजुब की बात है। वहां से जो है 1 घंटा लेट चले, फिर रास्ते में जो है 1 घंटा 15-20 मिनट लेट हुए, लेकिन जो है यहाँ पे 10 मिनट है भाई। स्लैक है, स्लैक मतलब एक्स्ट्रा टाइम जगह जगह दिए रहते हैं ताकि ट्रेन जो है मेकअप कर सके। यहाँ पे तो लोग हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। और मुगल सराय में जो आपको खाने का ऑप्शन मिल जाता है ट्रेन में जो है कम सवाल है, चढ़ जाते हैं और फ्रूट्स वूट्स भी जो है प्लेटफॉर्म पर हमेशा मिल जाता है। अब पेंट्री कार की बात करें, पेंट्री कार वाला आया खाना ऑर्डर लेने, उन्होंने पूछा क्या है, बोला कि वेज है जिसमें मिक्स वेज की सब्ज़ी और दाल रोटी वैसे, और सिर्फ अंडा करी, मतलब कुछ भी नहीं है। बाकी जगह जो है पनीर वनीर और बहुत कुछ दे रहे हैं बाकी ट्रेनों में, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। फिर मेरे बगल वाले पैसेंजर ने पूछा कि भाई खाना कैसा होगा, उसने बोला मेरे को नहीं पता खाना कैसा होगा। तो मेरे बगल वाले पैसेंजर ने पूछा कि खाना कैसा होगा, उसने बोला कि खाना हमारे यहाँ पे बनता नहीं है, बाहर से आता है, तो हमको पता नहीं खाना कैसा है। मतलब आप पेंट्री कार का एक खाना सेल कर रहे हो, आपको खुद को गारंटी नहीं है कि आपका खाना कैसा होगा, आपको खुद को अपने चीज़ पर भरोसा नहीं, तो फिर पैसेंजर क्या ही ले। बहुत जगह मिल जाएगा, इलाहाबाद में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं अब वो दिन चला गया कि पेंट्री कार नहीं है तो कुछ नहीं है। ई कैटरिंग भी है, मैंने ई कैटरिंग से ऑर्डर कर लिया, डिटेल्स बता दूंगा। इलाहाबाद में ऑर्डर किया है, उम्मीद है अच्छा, क्योंकि रेटिंग वेटिंग जो अच्छा था। तो भैया पेंट्री कार वाला सुनकर तो अच्छा नहीं लगा, मतलब आपने पूरा एक कोच लिया है, वो भी एसी कोच, और उसको लेके जो है बस समोसा और चाय और कुछ नहीं। उसके लिए जो है आपने एक बड़ा कोच लिया है जो कि रिटर्न ट्रिप पे 3 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, उसको लेके जो है चाय और समोसा। तो गाइस ये जो है मेरे पीछे मुंबई मेल जो हमको कल धोखा देके निकल गई थी हावड़ा पे, और इसको ओवरटेक भी किया कोटरमा पे, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया। देखिए अभी
तो देखिए अभी पीछे आ गई, मतलब आगे निकल के क्या फ़ायदा हो, इसका इतना ज़्यादा हॉल्ट है ना तो जो है नहीं हो पाया इससे। और यही है फिलहाल, हमारा डिपार्चर टाइम हो गया है तो यहाँ से निकलते हैं, वही 5 मिनट जो है लेट निकलेंगे, पर कोई नहीं। पहुंच गए भैया मिर्ज़ापुर, और जहाँ मिर्ज़ापुर की बात आती है वहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन देने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा कि मिर्ज़ापुर जो है क्यों इतना फेमस है। छोटा स्टेशन है लेकिन नाम इसका इतना बड़ा है ना, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। और आपके लिए छोटा सा क्विज, आप कमेंट सेक्शन में इन फॉलोइंग चीज़ों के जो है फुल फॉर्म बताइए। एक है RPF, एक है TTA, एक है RMS और एक है GRP। इन चारों चीज़ों का जो है फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आंसर बताता हूँ प्रयागराज पे। चौकी और थोड़ा लेट हो गया दिखाने में क्योंकि एडिटिंग में बिजी था। मतलब सोच लीजिए ट्रैवलिंग में सब कुछ करना पड़ता है, पहले जो ऑनलाइन क्लास भी करना पड़ता था। और भैया बस क्या करें, प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और चलिए देखते हैं, नैनी ब्रिज क्रॉस करके और इलाहाबाद पहुंच के बात करते हैं। ये जो एक इंस्पेक्शन कार है, परक नाम है इसका, और ये जो है मेरे पास एक ना मज़ा आ जाता, मतलब मैं एक मतलब ख़रीद ही लेता यूट्यूब अर्निंग से। आप लोग इतना व्यू व्यू दे रहे हो ना, तो एक ख़रीद ही लेता मैं परक। पहुंच गए गाइस प्रयागराज, ट्रेन जो है बिल्कुल टाइम पे, 12:15 का टाइम था, 12:15 पे आ गए। मतलब लगा नहीं था यार हावड़ा से जो है 1 घंटा 10 मिनट लेट, और यहाँ पे बिल्कुल ऑन टाइम। कोई नहीं, अब आगे देखते हैं कितना जो है टाइम मेंटेन करेगा, क्योंकि आगे जो है मुश्किल हो जाता है, NCR जो है इसको इतना प्रायोरिटी नहीं देता अच्छे से। और ये बात ही कैटरिंग से खाना है और सब डिटेल देता हूँ, रेस्टोरेंट कौन सा है, कितना प्राइस है, क्या मंगवाया बताता हूँ, पहले निकल तो जाए यहाँ से। 32 नंबर तो गाइस खाना हमारा आ चुका है, एग बिरयानी मंगवाया विथ कोल्ड ड्रिंक एंड गुलाब जामुन। रेटिंग अच्छा था इस रेस्टोरेंट का, तो अच्छा है। वैसे ई कैटरिंग पे देखता हूँ 3 स्टार 3.5 स्टार ऐसा ही रहता है, तो इसमें जो है तो इसी का जो है 4.2 स्टार्स है। और फिलहाल इलाहाबाद से निकल रहे हैं, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं इस वीडियो का अभी अंत कर रहा हूँ, Part 1 का अंत कर रहा हूँ। मैं आपको Part 2 दिखा दूंगा 2 ही दिन बाद, मैं वेट नहीं करूँगा, मैं जरूर Part 2 कर रहा हूँ एक रीजन के लिए, वो मैं Part 2 में बताऊँगा। तो आप सभी को जो है अलविदा, खाना वाना देखने के लिए जो इंतज़ार कीजिए, याद रखें तूफान आंधी बरसात हर मंगलवार आपके साथ।